जिले में आपसी रिश्तों का घिनौना चेहरा निकलकर सामने आया है। महिलाएं अपने पति के साथ मिलकर नाबालिग बहन से जबरदस्ती देह व्यापार करवाती थी। बहन एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इन सब के बीच महिला ने दोनों आशिकों की बुरी निगाह नाबालिग बहन पर थी। एक दिन महिला के आशिकों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, हत्या कर दी। बाद में सभी ने मिलकर इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के दोनों बहनों और उनके दोनों आशिकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलामू में टाउन थाना क्षेत्र के इलाके में 26 मार्च को पुलिस को एक दफनाया बनाया हुआ शव बरामद किया गया। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की शव की पहचान उसकी दो बड़ी बहनों ने की। बहनों ने बयान के आधार पर उस दौरान पुलिस ने इस आत्महत्या का मामला सामने आया। बहनों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग ने 21 मार्च को ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए डर से सभी ने शव को दफना दिया। इस पूरे मामले में रिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नया मोड़ आया है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।